देवघर के राय कंपनी चौक के आगे दीनबंधु स्कूल के पास गुरुवार रात्रि करीब से 8 बजे एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। यह घटना तब घटी जब नगर थाना पुलिस ओवरलोड ट्रक को लेकर थाने जा रही थी। उस ट्रक पर नगर थाना पुलिस भी ड्राइवर के साथ मौजूद थे। ट्रक को थाना ले जाने के क्रम में दीनबंधु स्कूल के समीप हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गया। इसके बाद जो हुआ वह काफी भयानक था। एकाएक ट्रक के झटके से सड़कों पर लगे विद्युत तार के खंभे उखड़ गए और सड़कों पर मौत दौड़ने लगी। लोगों में अफरा तफरी मच गया। यातायात व्यवस्था थम गई। मौका पाकर ट्रक का ड्राइवर प्रशासन की मौजूदगी में ट्रक से फरार हो गया और ट्रक पर बैठे पुलिस मुंह ताकते रह गए। हालांकि इस घटना ने सड़कों की रफ्तार को तो रोक दिया, लेकिन बाबा की कृपा से किसी भी तरह की अनहोनी नहीं हुई और एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। अब सवाल यह उठता है कि इस घटना के कसूरवार कौन है। जब पुलिस प्रशासन को यह बातें पता होती है कि शहरों में बड़ी गाड़ियां प्रवेश निषेध है, यहाँ से लॉरी में ट्रक का ड्राइवर जो था वो लेके ओवरलोड लेके जा रहा था, उसमें प्रशासन का भी आदमी बैठा हुआ था, उसी में तार में ओवरलोडिंग के कारण तार लगा तो फॉल्ट गिर गया और रोड जाम हो गया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।